अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कैलकुलेटर का उपयोग करना। इस टेक्नोलॉजी के युग ने हमारे दैनिक जीवन के लगभग सारे काम बहुत ही आसान बना दिए हैं, चाहे काम बड़ा हो या फिर छोटा। हर काम के लिए कुछ न कुछ साइंटिफिक डिवाइसेस मिल ही जाती हैं। गणित के फील्ड में एक ऐसी ही डिवाइस है कैलकुलेटर। हम सभी कैलकुलेटर के उपयोग से बहुत अच्छे से परिचित हैं और आज हमें छोटे से छोटे हिसाब के लिए भी कैलकुलेटर की याद आती है। कैलकुलेटर के उपयोग को देखते हुए आज कंप्यूटर और मोबाइल में भी इसकी सुविधा दी जाने लगी है, तो फिर टैली प्राइम इस मामले में पीछे कैसे रह सकता है? टैली ने भी हमें कैलकुलेटर की सुविधा दी है, ताकि अगर हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़े तो अलग से किसी कैलकुलेटर का उपयोग ना करते हुए हम टैली पर दिए हुए कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। टैली का जो कैलकुलेटर है, उसकी मदद से हम जोड़ घटाव गुणा भाग यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इत्यादि कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए टैली प्राइम में दिए हुए कैलकुलेटर के यूज को समझ लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। आगे समझने के लिए पहले हम पेमेंट वाउचर ओपन कर लेते हैं। ध्यान रखें, टैली में आप कहीं भी काम कर रहे हो, जैसे बैलेंस शीट पर हो या किसी पार्टी का लेजर देख रहे हो या जीएसटी रिपोर्ट पर हो, सभी जगह पर आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। अब टैली में कैलकुलेटर ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करेंगे। ये देखिए नीचे कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब इसमें जो भी कैलकुलेशन करना हो वो आप कर सकते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में 3 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं। इस महीने एक बिल 2,946 रुपीस का है, दूसरा 1,687 रुपीस का है और तीसरा 1,100 रुपीस का है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि तीनों को मिलाकर टोटल कितना बिल आया है। तो यहाँ हम कीबोर्ड की सहायता से पहले बिल का अमाउंट टाइप करेंगे, प्लस का निशान टाइप करेंगे, फिर दूसरे बिल का अमाउंट टाइप करेंगे, फिर से प्लस का निशान टाइप करेंगे और अब तीसरे बिल का अमाउंट टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए तीनों का टोटल आ गया है। कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेटर की तरह ही हम कीबोर्ड की सहायता से इस कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जोड़ने के लिए प्लस का निशान लगाएं, घटाने के लिए माइनस का, गुणा करने के लिए स्टार का निशान और भाग देने के लिए स्लैश का निशान लगाएं और आखिर में रिजल्ट के लिए एंटर प्रेस कर दें। अब मान लीजिए हम इन तीनों बिल्स का अमाउंट इकट्ठा ही वाउचर में डालने वाले हैं, तो हमें वाउचर पर जाना होगा। पर देखिए, जब हम कैलकुलेटर पर काम करते हैं तो केवल कैलकुलेटर एक्टिव रहता है और टैली इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैली अभी इनएक्टिव है, तो इसका कलर जो है ब्लैक एंड व्हाइट जैसा हो गया है। अब वाउचर पे जाने के लिए पहले हमें टैली को एक्टिव करना होगा। उसके दो तरीके हैं। पहला तो ये कि टैली को एक्टिव करने के लिए वाउचर में कहीं पर भी माउस से क्लिक कर दें। ये देखिए हमने क्लिक किया और टैली एक्टिव हो गया है, पर अब कैलकुलेटर इनएक्टिव हो गया है। पर हम आसानी से कैलकुलेट किया हुआ अमाउंट देखकर वाउचर बना सकते हैं। अब यदि वापस आपको कैलकुलेटर पर कुछ काम करना हो तो उसे एक्टिव करने के लिए उस पर माउस से क्लिक करना होगा। दूसरा तरीका समझने के लिए हम फिर से वाउचर को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब चूंकि हमने वाउचर एक्टिवेट कर लिया है, इसलिए कैलकुलेटर एक्टिव नहीं है। अब यदि आप बिना माउस की मदद से इसे चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल और एन कीज को प्रेस करें। ये देखिए कैलकुलेटर चालू हो गया है। अब यदि आप कोई नई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मान लीजिए हम पहले ही वाले अमाउंट में 11 रुपए और जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें बैकस्पेस की से पहले वाले अमाउंट पर जाना होगा और फिर एंड की प्रेस करेंगे और अब प्लस का निशान लगाकर वो अमाउंट टाइप करेंगे जो हम इसमें जोड़ना चाहते हैं और फिर एंटर प्रेस कर देंगे।
ये देखिए रिजल्ट आ गया है। अब हम बिना माउस की सहायता से टेली में जाना चाहते हैं, यानी टेली को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो एक बार स्केप की प्रेस करें। ये देखिए टेली एक्टिव हो गया। यहाँ पर हम डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तीनों बिजली के बिल का इकट्ठा अमाउंट 5,733 रुपए टाइप कर देंगे। क्रेडिट में कैश सिलेक्ट करेंगे, यहां नरेशन टाइप कर देंगे। अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस कैलकुलेटर को बंद करने के लिए या तो आप यहां दिखाई पड़ रहे क्रॉस के निशान पर क्लिक करें या फिर दो बार कंट्रोल के साथ एन प्रेस करें। ये देखिए कैलकुलेटर बंद हो गया है। चलिए अब हम आपको कैलकुलेटर के कुछ खास फीचर्स बता देते हैं। पहले फीचर को हम एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे ऑफिस का एक महीने का किराया 16,750 रुपए है और हमें 4 महीने का रेंट एक साथ देना है, तो हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हुए ही टोटल रेंट की कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके लिए पहले हम डेबिट में रेंट पेड सिलेक्ट करेंगे। अब अमाउंट वाले बॉक्स में जाकर ऑल्टर और सी कीज को प्रेस करेंगे। ये देखिए कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब 4 महीने का रेंट कैलकुलेट करने के लिए 1 महीने का रेंट टाइप करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का साइन यहां पर टाइप करेंगे, 4 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए 4 महीने का रेंट कैलकुलेट हो गया है और वो अपने आप डेबिट वाले कॉलम में भी आ गया है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने ये देखा कि यदि हमारा कर्सर अमाउंट वाले बॉक्स में है और हम ऑल्टर के साथ सी प्रेस करके कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो कैलकुलेशन करने पर हमारा जो भी रिजल्ट आता है वो अपने आप अमाउंट वाले बॉक्स में आ जाता है। अब अन्य फीचर समझने के लिए कंट्रोल के साथ एन की को प्रेस करेंगे। टैली के इस कैलकुलेटर को हम असिस्टेंट की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी लेजर, ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक वैल्यू, रिसीवेबल, पेबल इत्यादि जान सकते हैं। जैसे हमें कैश का बैलेंस जानना है तो हम कैश टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। इसी तरह यदि हम किसी कस्टमर का बैलेंस देखना चाहते हैं कि उससे हमें कितने रुपए लेना बाकी है तो उसका नाम टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप किया अशोक ट्रेडर्स और एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए अशोक ट्रेडर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। अब यदि हम अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो बैंक का नाम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। इसी तरह अगर हमें ये जानना है कि अभी हमारे पास स्टॉक में कोई आइटम कितनी क्वांटिटी में है, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में हमारे पास कितने प्रिंटर हैं, तो यहां पर हम टाइप करेंगे प्रिंटर और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए रिजल्ट आ गया है कि अभी हमारे पास 34 प्रिंटर्स स्टॉक में हैं। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, आप जो भी नाम यहाँ टाइप करें वही नाम आपकी कंपनी में होना चाहिए, यानी उसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि आप गलत स्पेलिंग टाइप करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे हमने मॉनिटर की गलत स्पेलिंग टाइप कर दी और एंटर प्रेस किया तो देखिए एक मैसेज आ रहा है, कुड नॉट अंडरस्टैंड वर्ड मॉनिटर। इसका मतलब है कि टैली के कैलकुलेटर को ये वाला शब्द समझ नहीं आया है। हम वापस मॉनिटर की सही स्पेलिंग टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए अब रिजल्ट आ गया है। मान लीजिए अब हम ये देखना चाहते हैं कि अभी हमारे पास जो कुल स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है, तो हमने यहां टाइप किया स्टॉक वैल्यू और एंटर प्रेस किया। ये देखिए टोटल स्टॉक की वैल्यू आ रही है। आइए अब हम इसे स्टॉक समरी से चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोनों जगह एक ही अमाउंट आ रहा है, मतलब कैलकुलेटर जो रिजल्ट दे रहा है वो सही है। तो इस प्रकार हमने समझा कि हमें किसी का क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है तो टैली में अलग अलग रिपोर्ट ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, बस कैलकुलेटर में हमें
उनका नाम टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, इतने में ही रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस कैलकुलेटर में अभी हमने जो भी कैलकुलेशन की है, यदि उन्हें डिलीट करना चाहें तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी यदि आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप टैली को बंद करके फिर से चालू कर लें, यानी रीस्टार्ट कर लें। ऐसा करते ही यहाँ पर दिखाई पड़ रही सारी कैलकुलेशंस हट जाएंगी। आखिर में आपको एक बात और बता दें कि इस कैलकुलेटर का उपयोग आप टैली के लाइसेंस्ड वर्जन और एडुकेशनल वर्जन दोनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।